नमस्कार दोस्तों, ओवरलोड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त सिद्धार्थ। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं टाटा का 407 SFC EX मॉडल और उसकी तुलना हम करने वाले हैं महिंद्रा के जयो D3200 मॉडल के साथ। तो चलिए देखते हैं कि दोनों गाड़ियों में कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है, किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है, किसका माइलेज अच्छा है, किसकी कीमत कितनी है, किसमें कौन से मॉडल्स अवेलेबल है, कौन सी गाड़ी लेना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, ये हम इस वीडियो के आखिर में ज़रूर बताएंगे दोस्तों। तो देखते रहिए और पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको समझेगा कि आपने कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। हमारे नए वीडियो आते ही तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस का पर्याय चुनिए। दोस्तों, अगर इन दोनों गाड़ियों की हिस्ट्री या ये कहाँ से आई है इनके बारे में अगर बात करें, तो जो महिंद्रा का जयो जो मॉडल है वो एक्चुअली ऑलविन निसान का हैदराबाद में बनने वाला एक गाड़ी है, जो कि बहुत पहले ऑलविन निसान ने इंडिया में लाया था, लेकिन 1994 में महिंद्रा ने ये कंपनी पूरी खरीद ली और तब से ये महिंद्रा के ब्रांड के नीचे बेची जा रही है। वही अगर टाटा 407 की अगर बात करें, तो ये बहुत ही पुरानी गाड़ियां हैं जो यूरोप में बनती थी पहले, जैसे कि हनोमैग एफ सीरीज के ट्रक्स या फिर मर्सिडीज बेंज के T2 ट्रक्स, ये सब स्टायर या आप कह सकते हैं स्टायर के 591 या 691 सीरीज के ट्रक्स, इनसे ये बनी हुई है। और टाटा मोटर्स ने 1986 में यानी कि 1986 में इनका प्रोडक्शन इंडिया में करना शुरू किया था। अगर आप जानते नहीं हैं तो 1986 से टाटा 407 के अभी तक 5 लाख से भी ज़्यादा गाड़ियां बिक चुकी हैं। दोनों गाड़ियों के अगर इंजन की बात करें तो आपको जयो में आता है 2.5 लीटर का MDI टर्बोचार्ज्ड BS4 इंजन, और वही अगर आप टाटा 407 के बारे में बात करेंगे तो इसमें आता है आपका चहिता SP4 CR टर्बोचार्ज्ड इंजन जो इंटरकूलर के साथ आता है, 3 लीटर का BS4 इंजन। वही अगर पावर की बात करें तो महिंद्रा के जयो में आपको मिलता है 70 हॉर्स पावर एट 3200 RPM, वही अगर आप 407 के पावर के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें आपको 84 हॉर्स पावर सिर्फ 8800 RPM पे मिलती है। वही अगर आप टॉर्क के बारे में बात करेंगे तो आपको महिंद्रा के जयो में 200 Nm का टॉर्क 1800 से 2200 RPM तक मिलता है, लेकिन टाटा मोटर्स का जो इंजन है वो 250 Nm का टॉर्क आपको खाली 1400 RPM से लेके 2400 RPM तक देता है। ये काफ़ी फ्लैट टॉर्क इंजन है और बहुत ही लो RPM से आपको फ्लैट टॉर्क देता है, जिससे आपको ट्रैफिक में या गलियारों में आपको ज़्यादा गियर बदलने नहीं पड़ेंगे और आप एक ही गियर में गाड़ी को अच्छा सा उठा पाएंगे। वही अगर ग्रेडेबिलिटी की बात करेंगे यानी कि चढ़ाई में जाने के लिए, तो थोड़ी सी ज़्यादा ग्रेडेबिलिटी आपको महिंद्रा की गाड़ी में आती है, वो है 30% और टाटा 407 में आपको 28% मिलती है। वही अगर आप इसकी GVW यानी कि ग्रॉस व्हीकल वेट दोनों गाड़ियों की बात करेंगे तो आपको महिंद्रा जयो का जो GVW आता है वो है 4850 kg का, और वही टाटा 407 का GVW थोड़ा कम है जो है 4450 kg। अगर लोडिंग कैपेसिटी की बात करें तो दोनों गाड़ियों में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, जो है विदाउट लोड बॉडी की गाड़ी, दूसरा है हाई डेक और दूसरा है ड्रॉप डेक। तो अगर नो लोड बॉडी की बात करेंगे महिंद्रा जयो में तो आपको इसमें 3010 kg का लोडिंग कैपेसिटी आप कर सकते हैं। वही अगर आप हाई डेक के बारे में बात करेंगे तो इसमें आपको 2655 kg का लोडिंग कर सकते हैं, और लो डेक के बारे में बात करेंगे तो आप इसमें 2680 kg का लोडिंग कर सकते हैं। वही अगर आप 407 के बारे में बात करेंगे तो नो लोड बॉडी में आप 2450 kg तक का लोडिंग कर सकते हैं, और जो बाकी दो ऑप्शंस है उसमें आप 2200 और 2000 kg तक का लोडिंग कर सकते हैं। ये सारे फिगर्स ऑफिशियल है, अनऑफिशियली आप दोनों ही गाड़ियों में 4 टन से लेके 5 टन तक लोडिंग भी कर सकते हैं। लोड बॉडी साइज़ की अगर बात करें तो दोनों गाड़ियों में 2 साइज़ की लोड बॉडीज आती है। महिंद्रा जयो में आपको 6.25 square meter की एक बॉडी आती है और छोटी जो आती है वो 5.25 square meter की आती है। वही अगर आप टाटा 407 की लोड बॉडी की बात करें तो आपको एक 5.5 square meter की आती है और एक 4.8 square meter की आती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको 407 में सेमी फॉरवर्ड कैब मिलती है, जिसकी वजह से कैबिन थोड़ा ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है पूरी फ्रेम के ऊपर। दोनों गाड़ियों के व्हील बेस की अगर बात करें
तो जयो में आपको मिलता है 2654 mm का व्हील बेस और वही आपको 407 में 2955 mm का आता है, जो काफ़ी बड़ा है, 300 mm लंबा है। लेकिन फिर भी टर्निंग रेडियस में दोनों की गाड़ियों में ज़्यादा फर्क नहीं है। जयो में आपको 5.75 मीटर्स का टर्निंग रेडियस आता है और वही आपको 407 में 5.95 मीटर का ही टर्निंग रेडियस मिलता है। अगर दोनों गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो जयो में आपको मिलता है 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और वही 407 में आपको मिलता है 207 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। टायर्स में दोनों गाड़ियों में 16 इंच के टायर्स आते हैं, लेकिन जयो में आपको ज़्यादा रेटिंग के टायर्स मिलते हैं जो कि है 14 PR के, और वही 407 में 12 PR के टायर्स आते हैं। फ्रेम की बात करें तो दोनों गाड़ियों में आपको लैडर फ्रेम मिलती है। फ्रंट में आपको दोनों गाड़ियों में सेमी एलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग्स मिलती हैं एंटी रोल बार के साथ, और दोनों में आपको ड्रॉप एक्सल मिलते हैं। वहीं आपको पीछे दोनों ही गाड़ियों में सेमी एलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग्स मिलती है शॉक अब्जॉर्बर्स के साथ। ब्रेक्स दोनों भी गाड़ियों में वैक्यूम असिस्ट हाइड्रोलिक ब्रेक्स मिलते हैं आपको। दोनों गाड़ियों की जो टॉप स्पीड है वो थोड़े से अलग है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने सब गाड़ियों में 80 km/h का स्पीड लॉक करने के लिए गवर्नर्स दिए हुए हैं, तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार 80 के ऊपर आप गाड़ी नहीं ले जा सकते, तो दोनों गाड़ियों में लॉक्ड स्पीड है 80 का। फ्यूल टैंक दोनों भी गाड़ियों में 60 लीटर का ही आता है। CNG इन दोनों ही गाड़ियों में अवेलेबल है। हम कीमतों के बारे में भी बाद में बात करेंगे। स्टेयरिंग के बारे में अगर देखते हैं तो दोनों भी गाड़ियों में आपको मैनुअल स्टेयरिंग का ऑप्शन मिलता है, लेकिन पावर स्टेयरिंग का ऑप्शन सिर्फ आपको महिंद्रा के जयो में ही मिलता है। और अगर फीचर्स देखें दोनों गाड़ियों में तो आपको जयो में मिलता है पावर स्टेयरिंग और उसके साथ साथ टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल स्टेयरिंग का, मोबाइल चार्जर, बॉटल होल्डर और दो वे एडजस्टेबल सीट है इसमें। वही अगर 407 के बारे में बात करेंगे तो इसमें आपको मिलता है बैटरी चार्ज इंडिकेशन का लैंप, इंजन इंस्पेक्शन रूम में एक लैंप जिससे आप इंजन चेक करते समय आप लाइट लगा के देख सकते हैं, उसके बाद रिक्लाइनिंग और हाइट एडजस्टेबल सीट मिलता है और बॉटल होल्डर्स। इतने ही फीचर्स इन गाड़ियों में उपलब्ध हैं। वारंटी की अगर बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में 3 साल या 3 लाख किलोमीटर की आपको वारंटी मिलती है, जो कि काफ़ी लाजवाब है। वही अगर इसका सर्विस इंटरवल के बारे में बात किया जाए तो दोनों ही गाड़ियों का सर्विस इंटरवल हर 20,000 किलोमीटर में आता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। अगर CNG मॉडल्स की प्राइसिंग की बात करें तो जयो का जो CNG का मॉडल है वो आपको आता है 8,90,000 से लेके 9,40,000 तक, जो कि उसकी एक शोरूम प्राइस है दिल्ली की। वहीं अगर आप 407 की बात करेंगे CNG मॉडल्स की, तो वो 10.5 लाख से लेके 12.5 लाख रुपए तक जाते हैं, जो काफ़ी महंगे हैं जयो के मुकाबले। यानी कि आपको अगर सिटी के अंदर के लिए गाड़ी लेनी है और आपके सिटी में BS4 या BS6 के नॉर्म्स कंपलसरी है, तो आपके लिए जयो महिंद्रा की ज़्यादा अच्छी रहेगी 407 के मुकाबले। वही अगर आप डीजल मॉडल्स की प्राइस की बात करें तो आपको जय जाएगी 6.8 लाख रुपए एक शोरूम प्राइस, और वही आपको 407 जाती है 7 लाख रुपए एक शोरूम। तो दोस्तों, बात करते हैं अंतिम निर्णय के बारे में। अगर दोनों गाड़ियों को कंपेयर किया जाए तो ऐसा नहीं है कि एक गाड़ी ख़राब है एक गाड़ी अच्छी है, दोनों भी गाड़ियां अपनी अपनी जगह पे अच्छी हैं। जैसे कि आप 407 की अगर बात करें तो उसमें आपको अभी भी पुरानी कैबिन आती है जो 1983 से डिज़ाइन हुई है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है, उसके सारे टूल्स मैन्युफैक्चरिंग सब सेम है, उसकी इंटीरियर क्वालिटी डिज़ाइन एकदम ही पुरानी और ओल्ड हो चली है। उसके मुकाबले अगर आप जयो की कैबिन देखते हैं तो काफ़ी अच्छा फिट फिनिश मिलता है कैबिन दिखने में भी और अच्छी लगती है अंदर से। वहीं अगर आप रेटेड लोड में गाड़ी चलाते हैं, यानी कि आप अगर ज़्यादा ओवरलोडिंग बिना करे गाड़ी चलाते हैं, तो हमें लगता है आपने जयो लेने में कोई हर्जी नहीं है। लेकिन अगर आप गाड़ी ओवरलोडिंग में चलाने वाले हैं और आपको लगता है कि आप प्रॉफिट में रहें, आपका धंधा अच्छा चले, तो हमें लगता है आपने 407 ही लेनी चाहिए, क्योंकि ओवरलोडिंग कंडीशन में भी आपको 407 से 10 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल सकता है। लेकिन वो बात जयो में नहीं। जयो का इंजन छोटा भी है और हमें लगता है कि महिंद्रा ने 200 Nm का टॉर्क दे के इस सेगमेंट में इस गाड़ी को जो उतारा है, उससे उस गाड़ी में आपको इतना पावर नहीं मिलता है, आपको लोड खींचने में इतना पावर नहीं मिलता है। वहीं अगर आप 407 की बात करें तो 407 में आपको फ्लैट टॉर्क मिलता है 1400 RPM से, जो कि 250 Nm का टॉर्क है, जिस वजह से वो आराम से हैवी लोड को खींच लेती है। यानी कि आप ओवरलोड भी करते हैं तो भी वो आराम से लो RPM में उसको खींच सकती है, लेकिन जयो में ऐसा नहीं होता है दोस्तों।
तो और दूसरी बात यह है कि अब जयो में अभी भी 2.5 लीटर का इंजन है जो कि महिंद्रा पिकअप बोलेरो से लिया हुआ है। हमें लगता है महिंद्रा ने नया इंजन लाना चाहिए जो एक 3 लीटर का इंजन हो जिसमें ज़्यादा टॉर्क हो, तभी जयो और डायरेक्ट 407 का आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तब तक के लिए आप दोनों गाड़ी को अलग अलग सेगमेंट में थोड़ा डाल सकते हैं और आप ही डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सी गाड़ी आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर आप सिटी ड्राइविंग में और रेगुलर लोडिंग में चलाने वाले हैं तो हम आपको कहेंगे आप जयो के लिए ज़रूर जाइए, लेकिन आप ओवरलोडिंग करेंगे तो 407 ही आपके लिए अच्छी गाड़ी रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।